देखिए, ईद का माहौल है, तकरीबन 5 दिन हो गए ईद को, लेकिन रोज़ ईद मिलन का फंक्शन चल रहा है। फिर मैं अपनी जानिब से तमाम देशवासियों को ईद मुबारक पेश करता हूँ, ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ। और आज यहाँ हम भिवंडी में आए हैं, हमारे MIM की जो पूरी भिवंडी के जिम्मेदार है, शादाब उस्मानी साहब है, अमोल कामले साहब है, शेरू भाई है, राविज भाई है, हमजा अपने सिद्दीकी अकरम साहब है, हमजा शेख साहब, जितने भी लोग हमारे भिवंडी के आज जिम्मेदार है, या हमारे जो दोस्त बिरादर जो लोग हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं, जमात से मोहब्बत करते हैं, सबने मिलकर आज एक यहाँ पर फंक्शन रखा, ईद मिलाद का, ईद ईद उन ईद फितर फितरा का एक ईद मिलन फंक्शन रखा, ताकि सब लोग आके मिले, खाए पिए, एक अच्छा मैसेज जाता है, मोहब्बत फैलती है, देश दुनिया भर के लिए दुआ होती है कि दुनिया भर में, देश भर में अमन शांति बनी रहे। तो हमको भी अच्छा लगता है ऐसे फंक्शनों में आना। आप देखिए, यहाँ पे हर तरह के लोग, हमारे हर हिंदू भाई, दलित भाई बहन सब आया यहाँ पर मिलके, हम साथ में बैठ के इसका फंक्शन मनाते हैं। प्रधान साहब, इस तरह का फंक्शन, अगर इस तरह का फंक्शन विकास के काम में जिस तरह से शादाब उस्मानी और उनकी अन्य जो टीमें हैं यहाँ पर ये उठाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सवाल उठता है कि ये बिखरे हुए लोग हैं। कोई बिखरा हुआ नहीं है, सब एक है, ये आपको गलत फहमी हो गई है, कोई सर, बिखरा हुआ कुछ दिन नहीं। पहले ही महाराष्ट्र प्रदेश के कार्य अध्यक्ष का जो है एक सोशल मीडिया पर वॉइस रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था, जी जी, इसको लेकर काफी घमासान सा मचा हुआ था, उस पर क्या कहेंगे? हस्बैंड वाइफ में जहाँ मोहब्बत होती है वहीं थोड़ी बहुत तकरार होती है, फिर मोहब्बत हो जाती है। हस्बैंड वाइफ में आपकी अगर वाइफ आपसे मोहब्बत नहीं करती तो कभी झगड़ा ही नहीं होगा। 4.5 लाख से भी अधिक मुस्लिम है यहाँ पर वोट वोट बैंक, फिर भी MIM ने अपना कैंडिडेट घोषित नहीं करी, मतलब क्या? देखिए, पार्टी ने संज्ञान लिया है इस बात का, यहाँ पर काफ़ी तादाद के अंदर लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, और पार्टी सही वक्त के ऊपर सही फैसला करती है। अभी तो वक्त है, इंतजार करिए, पार्टी इंशाल्लाह सही वक्त के ऊपर सही फैसला लेगी, और जो भी फैसला होगा आप तमाम के सामने निकल कर। क्या भिवंडी से लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरने वाली इस तरह की जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिली है, क्या सच है? क्या हो रहा है पता है, मैं जहाँ जहाँ इफ्तारी करने जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ सहरी करने जा रहा हूँ, जहाँ ईद मिलन फंक्शन में, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ, जिस जगह जा रहा हूँ, आप जैसे मेरे पत्रकार भाई मुझे सवाल पूछते, वारिस भाई आप यहाँ आए तो यहाँ से लड़ोगे क्या? अरे पूरा देश अल्हम्दुलिल्लाह अपना है, पार्टी डिसाइड करती है, पार्टी फैसला करती है कहाँ से लड़ना, और हम पार्टी के कार्यकर्ता लोग हैं, पार्टी बोलेगी यहाँ से लड़िए, वहाँ से लड़ेंगे, पार्टी बोलेगी काम करिए, काम कर रहे हैं। MIM पार्टी अगर चुनाव नहीं लड़ी लोकसभा भिवंडी, तो भिवंडी शहर में MIM की पार्टी किसको समर्थन करेगी? वो देखेंगे ना किसको समर्थन करना, वैसे तो हम पूरे देश के काफी जगहों के ऊपर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। देखिए, तो ये पार्टी फैसला करेगी और किसको समर्थन देना, किसको पार्टी में देना, जैसा अभी हमारी पार्टी ने फैसला किया, हम अमरावती के अंदर आनंद राज अम्बेडकर साहब को समर्थन दे रहे हैं, अकोला के अंदर हमने प्रकाश अम्बेडकर साहब को समर्थन दिया है, तो पार्टी राइट वक्त के ऊपर फैसला करती है और सबको बताते कहाँ से किसको समर्थन। मेरे दोस्त इब्तदा इश्क होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या, टाइम आएगा सबको पता चलेगा, और तुमको तो मेरे से पहले पता चल रहा है आजकल सारी चीजें भाई, पता चलेगा सबको, लेकिन इंशाल्लाह ताला जहां भी खड़े रहेंगे लड़ेंगे, जोरों से लड़ेंगे, और हमको यकीन है कि लोग हमको मोहब्बतों से, दुआओं से, वोटों से नवाजेंगे, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जहां कहीं भी खड़े होंगे पूरे भारत देश में कामयाबी हमको मिलेगी इंशाल्लाह। इस बार 405 उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे लोकसभा? ख्वाब देखना चाहिए, ख्वाब देखना कोई गुनाह तो नहीं है, ख्वाब है मेरे हिसाब से, अगर 200 सवा 200 पार कर दी तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना भी ये लोग जा सकते हैं, क्योंकि अब देखिए हालत तो खराब है ना, जिस चीज़ के ऊपर बात है, लोगों को मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए जमा होंगे, नहीं हुआ, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, नहीं हुआ, तो तमाम जो गारंटियाँ इनकी फेल होती जा रही है। अब इलेक्ट्रल बॉन्ड के देखिए 6,000 करोड़ रुपया ले लिया भाजपा ने, 6,000 करोड़ रुपया सबसे बड़ा इस सदी का स्कैम उसको बोला जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया संवैधानिक है। तो अभी भाजपा की तो सारे जो चिट्टे पट्टे पूरे देश के सामने आहिस्ता आहिस्ता खुलते जा रहे हैं, विकास के नाम पे जीरो है, सिर्फ बस 400 पार बोलने से पार नहीं हो जाता। मैं भी वारिस फडन खड़े रह के बोल दूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 400 पार हो जाएगी, बोलने से नहीं होता, जमीन पे, और जनता जनार्दन है, जनता जिसको चाहती है, जनता जिससे मोहब्बत करती है, उसको दुआ से नवाजती है और वोट दे के जिताती है, और इस बार हमको यकीन है कि बीजेपी हारेगी और मोदी जी तीसरी मरतबा देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे।